हेलो जी, सलाम अलैकुम। मैं आशिक, और आज की वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे बेसिक शेप्स की मदद से माउंटेन का लोगो, माउंटेन के शेप किस तरह से बनाई जाती है डॉगलेस सेक्टर के अंदर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। माउंटेन्स बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, शेप्स में जाकर पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करना है, क्लिक एंड ड्रैग करके पॉलीगॉन बनाना है, और डाउनवर्ड एरो की मदद से आपने क्या करना है, इसकी साइड्स कम करनी है, एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, ऑल्टर और शिफ्ट की मदद से एक डुप्लीकेट लेनी है। ठीक है, इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से, और ऑल्टर और शिफ्ट की मदद से एक और डुप्लीकेट लेनी है इस साइड पर। ठीक है, तीनों शेप्स को सिलेक्ट किया आपने, इन दोनों शेप्स पहले सिलेक्ट करना है साइड वाली, इनको ग्रुप कर लेना है, और अब तीनों शेप्स को सिलेक्ट करके आपने सेंटर लाइन करना है। ठीक है, सेंटर लाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका फिल कलर ऑफ कर रहा हूँ, और स्ट्रोक को जो हमने ब्लैक दिया होता है उसको फिल कलर पे कर दिया हमने। ठीक है, अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस किया, डी प्रेस करना है आपने, और इसको इस तरह से शेयर करना है नीचे की तरफ। ठीक है, शेयर करने के बाद आपने क्या करना है, सब शेप्स को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने शेप बिल्डर टूल लेना है, और ये वाली जितनी भी शेप्स हैं, पार्ट्स हैं, इनको निकाल देना है। ठीक है, और यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करके इनको भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये माउंटेन का बेसिक सा शेप निकल के आ गया है। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेलिंग पे काम करना है। सिंपली क्या करेंगे, पेन टूल लिया हमने, पेन टूल लेने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक किया, दूसरी क्लिक यहाँ पर की, तीसरी यहाँ पर क्लिक करनी है, चौथी यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, और इस तरह से करके आप, तो इस तरह से हमने एक शेप बना ली पेन टूल की मदद से। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, ऑल्टर के साथ एक डुप्लीकेट इसकी यहाँ पर ले लेंगे, और दूसरी डुप्लीकेट हमने इसकी यहाँ पर ले ली। तो ये आपके पास बेसिक माउंटेन का शेप बन गया, और इसका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, चाहे तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर वाले तीनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। तो ये आपके पास एक माउंटेन का लोगो, माउंटेन का आइकन बन के आ जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर आपने लर्न किया कि बेसिक शेप्स की मदद से माउंटेन का लोगो किस तरह से बनता है, माउंटेन का आइकन किस तरह से बनता है। इस तरह से आप डिफरेंट माउंटेन्स ट्राई कर सकते हैं बनाकर। ये जो माउंटेन है, ये आप टूरिज्म के या इस तरह के जो लोगोज होते हैं उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।